Hello viewers, Assalamu alaikum and warm welcome to my YouTube channel Dairy Farmer. दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गाय या भैंस रोज़ाना कितना चारा इस्तेमाल करती है। इस तरह हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक कनाल मकई की हो तो एक गाय के लिए कितने दिन काफ़ी होगी, या अगर हमारे पास चार गाय या भैंसें हैं तो उनके लिए एक एकड़ मकई कितने दिन काफ़ी होगी। दोस्तों अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डेयरी फार्म के अखराजात का बड़ा हिस्सा जानवरों की फीड यानी खल, वंडा और सब्ज चारे पर इस्तेमाल होता है। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह हम सारा सीज़न अपने जानवरों को सब्ज चारा फ्री ऑफ कॉस्ट या इंतहाई कम लागत के साथ फराहम कर सकते हैं। चूँकि अभी गर्मियों का सीज़न है इसलिए हम मकई की एक एकड़ काश्त के खर्च का अंदाज़ा लगाते हैं। एक एकड़ मकई की काश्त के लिए हमें 100 किलोग्राम या एक बोरी मकई का बीज ज़रूरत होगा, जिसकी मार्केट में कीमत 3,000 से 3,500 रुपये तक है। एक एकड़ में हल चलाने का खर्च तकरीबन 1,000 रुपये है। बुआई के वक्त हम एक बैग DAP इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कीमत 3,000 से 3,500 रुपये बनती है। पहले या दूसरे पानी पर हम एक बैग यूरिया इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आजकल की कीमत 1,600 या 1,700 रुपये है। इस तरह अगर इन तमाम अखराजात का टोटल किया जाए तो एक एकड़ मकई की काश्त का खर्च तकरीबन 9 से 10,000 रुपये बनता है। अब हम इस तरफ आते हैं कि इस खर्च को किस तरह रिकवर किया जाए। तो पुराने डेयरी फार्मर तो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ताहम नए डेयरी फार्मर की गाइडेंस के लिए हम ये बात शेयर करना चाहते हैं। इस खर्च को रिकवर करने के लिए हम अपने जानवरों की तादाद को मद्दनज़र रखते हुए कुछ मकई अपने लिए रख लेते हैं, जबकि बकिया मकई को बेच देते हैं। मसलन अगर हमारे पास चार जानवर हैं तो 5 कनाल मकई उनके लिए रख लेते हैं, जो उनके लिए 20 से 25 दिन काफ़ी होती है, जबकि बकिया 3 कनाल मकई हम बेच देते हैं, जिसका औसत रेट हमें तकरीबन 3,000 से 4,000 रुपये फ़ी कनाल मिलता है। दरअसल मकई के रेट का इन्हिसार मार्केट में चारे की दस्तयाबी पर होता है। मसलन मई के महीने में 5,000 रुपये कनाल आसानी से बिक जाती है, जबकि जून में हमने 4,000 रुपये कनाल बेची है। अब चूंकि चारा आसानी से दस्तयाब होता है इसलिए मकई का मौजूदा रेट 3,000 से 3,500 रुपये फ़ी कनाल है। इस तरह 2.5 या 3 कनाल मकई का चारा बेच के हम एक एकड़ मकई की काश्त का खर्च आसानी से रिकवर कर लेते हैं। ना सिर्फ मुफ्त सब्ज़ चारा फराहम कर सकते हैं बल्कि इससे इजाफी आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए डेयरी फार्मिंग के मुतल्लिक नई नई वीडियो ला सकें। थैंक्स फॉर द